अजमेर को रविवार रात 10 बजे मेडिकल टीम का जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें अजमेर के लिए एक बुरी खबर आई है, जिसके मुताबिक कोरोना पॉजिटिव 3 नए केस सामने आए। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। और इसके बाद अजमेर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 24 घंटे के अंदर 4 पर पहुंच गया है। ये तीनों ही शनिवार को कोरोना पॉजिटिव आए युवक के माता पिता हैं और उसका भाई है, जबकि परिवार की जो 17 साल की एक बहन थी उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद प्रशासन और गंभीर हो गया है और मेडिकल की टीम लगातार पूरे शहर में स्क्रीनिंग कर रही है। वहीं पॉजिटिव मिले जो रोगी हैं उनके आसपास जो लोग रहते थे उनकी अब जांच चल रही है, उसको लेकर प्रशासन बहुत गंभीर है, उनकी स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। लेकिन आसपास जो पूछताछ हुई है उन लोगों से संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिला चिकित्सा विभाग को, और इसके चलते अब विभाग ने ये तैयारी कर ली कि जो सीनियर चिकित्सक है उनको फील्ड में उतार दिया गया है, जिससे कोई भी जो कोरोना से संक्रमित इस जो व्यक्ति था इसके संक्रमण में कोई आया है तो उसकी जांच पड़ताल हो पाए, पता चल पाए कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा है क्या जो इस परिवार से संपर्क में आया था, जिससे कि ये वायरस जो है वो किसी और को संक्रमित ना करे और लोगों को आसपास से बचाया जाए। इसके साथ ही जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाके थे वहां पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है, किसी को भी अब बाहर जाने की इजाजत नहीं है। और जो पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था उसके बाद में रोगी का जो परिवार था उसको जयपुर के आइसोलेशन में भर्ती किया गया है। जयपुर जाने से पहले परिवार के 5 लोगों को अजमेर के ही जेएलएन अस्पताल के आइसोलेशन में रखा गया था, और अब जब पॉजिटिव पूरा परिवार आ चुका है तो जेएलएन अस्पताल को भी पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है और परिवार को जयपुर रेफर कर दिया गया है। कर्फ्यू वाले इलाकों की अगर बात करें हम तो यहाँ पे शहर के अन्य क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के दौरान अब तक आमजन को दी जा रही जो ढील थी उसके अंदर कमी पुलिस ने कर दी है और इन इलाकों में भी कर्फ्यू जैसी सख्ती बरतना शुरू कर दी है। SP कुंवरजीत सिंह ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि सड़क पर अगर कोई भी बगैर अनुमति पत्र के वाहन चलाता है, घूमता नजर आता है तो उन्हें जब्त कर लिया जाए, और अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो हजारों की संख्या में पहुंच चुकी है। पैदल आने जाने वाले लोगों पर भी अंकुश कई कई जगहों पर लगा दिया गया है, केवल एक तय समय है, उस तय समय के ऊपर ही कर्फ्यू वाले इलाकों के अंदर लोगों को निकलना है और आवश्यक की जो उनकी जरूरत की जो चीजें हैं वो लेने के लिए वो निकल सकते हैं। चिकित्सा विभाग ने इस समय उनके सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। चिकित्सा विभाग के सामने चिकित्सकों ने जो कोरोना पॉजिटिव युवक था उससे पूछताछ की तो पता चला है कि 1 से 22 मार्च तक ये युवक जो है वो हरियाणा और पंजाब के टूर पे था। इस दौरान इसने हरियाणा, पंजाब, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करातल, अम्बाला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, बठिंडा, पटियाला, अमृतसर ये होते हुए ये वापस अजमेर लौटा था, लेकिन शहर में युवक या परिवार किस किस से मिला इसकी पूरी जानकारी विभाग को भी प्राप्त नहीं हो पा रही है। हालांकि पूरे शहर में करीब 3,140 लोगों को होम आइसोलेट जरूर किया गया है और चिकित्सा विभाग का सबसे अधिक जो ध्यान है वो इस वक्त भीलवाड़ा से आने वाले लोगों के ऊपर टिका हुआ है। विभाग ने आमजन से, शहरवासियों से ये अपील की है कि आस पड़ोस में रहने वाले संदिग्ध या भीलवाड़ा से जो भी लोग उनको अगर सूचना है उनके पास में तो उसकी सूचना वो लोग विभाग को दे, जैसे कि उनको उनके उनकी जांच की जाए, उनकी स्क्रीनिंग की जाए। शुक्रवार को भी विभाग को सूचना मिली थी कि गुलाबबाड़ी और धोलावाटा और ज्ञानविहार के इलाके के अंदर कुछ लोग भीलवाड़ा से आए हुए थे, उनसे वहां पर स्क्रीनिंग की गई है, सर्वे किया गया उनका, और उसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद में उन तमाम लोगों को होम आइसोलेट भी कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी समस्या चिकित्सकों के सामने भी इस वक्त आ रही है, जिसके लिए सरकार ने आदेश भी दिया है। वो समस्या ये है कि कई जो जेएलएन में नर्सिंग का स्टाफ या डॉक्टर्स जो हैं उनको लेकर ये सूचनाएं थी कि इन लोगों को उनके मकान मालिक ने खाली करने के लिए कहा है। कई जगह के ऊपर जेएलएन के आसपास की जो दुकानें थी वहां से इन लोगों को सामान मिलने में भी दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार ने इसके लिए स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है और ये सख्त कड़े आदेश है कि कोई भी मकान मालिक इन चिकित्सकों से किसी भी प्रकार से मकान खाली करने का दबाव नहीं बना सकता है, और अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी अगर चिकित्सकों के राशन की बात है तो जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं कि राशन की दुकानों पर चिकित्सकों को सामान नहीं दिया जा रहा है, सामान मिलने में उनको दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत के लिए भी आदेश है उसके अंदर, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसके ऊपर जो संबंधित विभाग है वो उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी करेगा। इसके साथ ही इस वक्त अजमेर के अंदर एक राहत भरी खबर भी इसी के साथ आई है कि लॉकडाउन की अवधि के अंदर जो मरीज हैं, जो घरों के अंदर इस वक्त हैं, जिनको जेलन अस्पताल नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, इसके लिए प्रशासन ने एक व्यवस्था की है। सहायक औषधि नियंत्रक ईश्वर सिंह यादव हैं, उन्होंने एक विशेष व्यवस्था इस वक्त अजमेर वासियों के लिए जारी की है, उन्होंने लागू किया है इसको कि जो जरूरी दवाई होंगी वो अब मरीजों के घर पर डायरेक्ट पहुंचेगी।
सीधे मरीजों के घर पे पहुंचेगी और उसके लिए उनको केवल और केवल एक नंबर उन्होंने जारी किया, उस नंबर के ऊपर उनको संपर्क करना होगा और जो बाजार मूल्य होगा दवाई का उस मूल्य के ऊपर ही उनके घर तक दवाइयों को पहुंचा दिया जाएगा। तो एमपीटीवी इंडिया अपने दर्शकों से ये नंबर भी साझा करता है और कहता है और हम अपील करना चाहेंगे कि आप मेडिकल के लिए भी आप घर से बाहर ना निकले, जो आपकी आवश्यक जरूरी जो दवाई है उसको लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर दो बार रिपीट कर देता हूँ, नंबर जो विभाग ने जारी किया है वो नंबर है 9462690790। मैं नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जो नंबर है दवाइयों की व्यवस्था के लिए वो नंबर जारी किया गया है 9462690790। ये नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा और इस नंबर पर संपर्क करके जो आपकी आवश्यक महत्वपूर्ण दवाई है उस दवाई को भी अब आपको मेडिकल स्टोर लेने नहीं जाना है। ये सीधा विभाग जो है सहायक औषधि नियंत्रक जो विभाग है वो सीधे आपके घर पहुंचाएगा, ये एक बड़ी सहूलियत दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक फैसला और इस समय कर दिया है, उसके लिए भी ऑर्डर जारी कर दिया है कि प्रदेश के अंदर कहीं पर भी जहां पर भी गर्भवती महिलाएं हैं उन गर्भवती महिलाओं के डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, उनके उनके सर्वे किए जा रहे हैं जिससे कि उनके डिलीवरी के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनकी भी तय समय की जो तारीख है उसका लेकर रिकॉर्ड बनाने के लिए रेडी करके रखने के लिए बोल दिया गया है और परिवार को एक तारीख निश्चित तारीख के लिए कहने के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी को दे दिए हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, इसके भी स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं। तमाम ऐसे परिवार जिसके जहां पर गर्भवती महिलाएं इस वक्त है उनके डेटा को कलेक्ट किया जाए और चिकित्सा के विभाग जो है उसको कह दिया है कि अस्पताल के अंदर ऐसी तैयारी तय समय के मुताबिक रखी जाए, रोज के मुताबिक इनकी डिलीवरी की जाए, रोज कितने महिलाओं को बुलाना है, परिवार कितने आएंगे इसकी भी पूरी पूरा रिकॉर्ड रखा जाए, उनको बताया जाए और इसके लिए बकायदा मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट आदेश दे दिए। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।